आज झारखंड के लिए बिहार के रास्ते एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। इस वीडियो अपडेट में बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई ट्रेन का संचालन आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 16 अक्टूबर और आज इस नई ट्रेन का संचालन वाया बिहार के रास्ते झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन तक शुरू किया गया है। ट्रेन नंबर 04224 के साथ यह ट्रेन यूपी के लखनऊ रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। यह ट्रेन 3:10 पर लखनऊ रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन अमेठी होते हुए वाराणसी यह ट्रेन 9:40 पर रात में पहुंचेगी और यहां पर इस ट्रेन का रहेगा 10 मिनट का स्टॉपेज, जिसके बाद यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 10:40 पर मध्य रात्रि को आएगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन मध्य रात्रि 12:05 पर और गया रेलवे स्टेशन 1:40 पर आएगी। गया से खुलने के बाद यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन 4:45 पर सुबह में और उसी दिन यह ट्रेन टाटानगर 8:50 पर 884 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपना गंतव्य पूरा करेगी। ऐसे में यह ट्रेन दूसरे दिशा में भी चलेगी। दूसरे दिशा में यह ट्रेन झारखंड के टाटानगर से रवाना होगी। जारी शेड्यूल के अनुसार यह ट्रेन 11 बजे दिन में टाटानगर से खुलेगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन 4 बजे शाम में आएगी और यहां से रवाना होने के बाद यह ट्रेन 6:33 पर शाम में गया और 8:04 पर सासाराम रुकते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 9:35 पर रात में पहुंचेगी। यहां से फिर ट्रेन रवाना होगी और वाराणसी अमेठी रुकते हुए लखनऊ चारबाग 4:55 पर दूसरे दिन सुबह में पहुंच जाएगी। ऐसे में दोनों ही दिशाओं में यह ट्रेन चलेगी और ऐसे में खासकर बिहार से झारखंड और झारखंड से बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भी इस नई ट्रेन का सौगात मिलेगा। हालांकि यह एक इंटरसिटी ट्रेन के रूप में तो नहीं चलेगी, लेकिन स्पेशल ट्रेन के रूप में तो इसका संचालन रेलवे आज से शुरू करने जा रही है, जिसका सुविधा पैसेंजरों को मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और नई ट्रेनों को लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब।